गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुहाम पॉल ब्लॉग्स। दोस्तों आज का जो दिन है कुछ खास नहीं है, घर से ही काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम है। तो मेरा बेटा जो है आयांश, उसका स्कूल एडमिशन करवाना है एंड उसके लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आज प्रिंट आउट करवाना है, तो उसके लिए जा रहा हूँ। एंड उसका बर्थडे भी आ रहा है, विच इज ऑन 10th of June, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग भी करना है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, टाइम अभी है 11:15 एंड अभी जो है ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इस दिन का शुरुआत करते हैं। एंड देन वीडियोस अगर आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा तो फिर जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल व्हिच इज सुहाम पॉल ब्लॉग्स। सो लेट्स स्टार्ट द डे गाइस। और आज लंच पे क्या बन रहा है? ये तो खाली है, तो कुछ भी नहीं है। लंच पे आज खिचड़ी बन रहा है। खिचड़ी बन रहा है, ओके। एप्पल को अच्छे से धो लो यार, आजकल बहुत सारा वैक्स वगैरह रहता है एप्पल्स में। तो गाइज आज फ्राइडे है एंड फ्राइडे को थोड़ा सा पार्टी शार्टी का माहौल बन सकता है, बट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ा फ्रिज में डाल देते हैं, वो अच्छा से रख देते हैं बाद में। दिल क्लिक फोटोग्राफ से स्माइल। इखन तक आमद दिखता है, लुक हियर है, भला करे छोटा स्टेट है, इखन है, लुक हियर, लुक हियर। तो है दोस्तों लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है, अभी थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था, मेरे बेटे का बर्थडे है और कुछ जो है घर का काम वगैरह करना है, तो जिस वजह से थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ। एंड कल रात को जो है दोस्तों बैंगलोर में काफी जबरदस्त जोरदार बारिश हुआ था इनफैक्ट, बट अभी जो है काफी ज्यादा सनी हो चुका है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे पहुँचने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा। आपको जरूर दिखाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या खरीद रहा हूँ। टाइम हो चुका है 2:30, लंच हो चुका है, चलते हैं अभी। तो गाइज मैं आ चुका हूँ फोरम मॉल में। जैसे कि आप देख रहे हो मैं पार्किंग में हूँ और मैं मॉल की तरफ जा रहा हूँ अभी। कुछ बंद भरिया मैंने लाया था तो उसको ठीक करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। पहले इसको ठीक करवाते चलते वॉच स्टोर की तरफ। यहीं पे फॉसिल का शोरूम है, चलते हैं फॉसिल का शोरूम पे। नंबर 96 57। ये इसका मॉडल है ना। लिखने के लिए है ना ये? हाँ सर, सेम वैसा ही छोटा से। इसका प्राइस कितना है? 299। ये दे दो, ब्लू वाला दे दो। ये अंदर क्या है वो? अरे इसका हैंडल है सर, हैंडल किधर लगता है वो? अच्छा ऊपर लगता है क्या? हाँ सर, वो हैंडल है सर। अच्छा दोस्तों चलते हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो सामान कुछ और चाहिए था वो तो मिला नहीं फिलहाल। बस थोड़ा सा कुछ यहाँ पे सामान हमने ले लिया है और चलते हैं दूसरे जगह पे, दूसरा डेस्टिनेशन। यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ेगा। बेंगलोर में ना काफी ज्यादा आपको ऐसे ग्रीनरी देखने को मिल जाता है रोड्स में, चारों तरफ। ज्यादातर रोड्स में ना आपको ऐसे दोनों तरफ से पेड़, जो पेड़ से मतलब घिरा हुआ काफी ग्रीनरी यहाँ पे आपको नॉर्मल रोड पे दिख जाता है, तो उस वो एक चीज है जो बैंगलोर को काफी डिस्टिंक्टिव बनाता है दूसरे सिटीज से।
ये फर्स्ट शर्ट जो है फाइनल कर लिया मैक से। शॉपिंग करके वापस आ गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो है शॉपिंग हो चुका है। नॉर्मली मैं अकेला नहीं जाता हूँ, बट आज जाना पड़ा तो घर पहुँच चुका हूँ मैं।